सदियों से जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने की आशंका के समाधान राजधानी में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 29 जून को जयपुर के मानसूर में होने वाले एक दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय संघर्ष व विकास समिति की ओर से हो रहे इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की जन्मभूमि से विस्थापन की आशंका, समस्या और उसका समाधान है। शिविर में देश भर से आए आदिवासी नेता, विधि विशेषज्ञ और सामाजिक नेताओं के साथ गणमान्य लोग शामिल होंगे। समिति के मुख्य संयोजक और झारखंड बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने कहा कि 13 फरवरी 2019 को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने का संकट सता रहा है। इससे 17 राज्यों में करीब 12 लाख गरीब आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस फैसले को जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर रखा है, लेकिन इससे पहले आदिवासियों के जन्मभूमि से विस्थापन की आशंका, समस्या और समाधान के लिए राष्ट्रीय चिंतन शिविर रखा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आदिवासी बेदखल प्रकरण के लिए आदिवासी हित में मजबूत पैरवी हो सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी 2019 को इस मुद्दे पर एक डिसीजन दिया है कि जो आदिवासी परिवार या जो आदिवासी व्यक्ति जंगलों में रह रहे हैं, वो लगभग 12 लाख लोग ऐसे जो अपने अधिकार को प्रूव नहीं कर पाए हैं, उनको जो है 17 राज्यों की गवर्नमेंट्स को आदेश दिया गया है कि उनको जुलाई एंड तक जो है वहाँ से विस्थापित करके उनको पुनर्वास किया जाए और जंगल को खाली करवाया जाए। तो इस विषय पे काफ़ी चिंताएं पूरे देश में व्यक्त की गई, खास करके जो आदिवासी स्टेट हैं उनमें काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, काफ़ी रोष व्यक्त किया गया, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। सेंसिटिव इन द सेंस कि आदिवासियों के लिए जंगल उनकी ज़िंदगी है, उनका घर भी वही है, वृक्षों की वो पूजा करते हैं और प्रकृति ही उनका जीवन है। तो इतनी बड़ी संख्या को एक साथ चार पाँच महीने के शॉर्ट टाइम में डिस्टर्ब करेंगे हम, और उनको हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स तुरंत जो है ठीक से पुनर्स्थापित कर देंगी, ये मतलब विश्वास से परे बात दिख रही है कि ऐसा संभव है। तो इसके लिए काफ़ी संगठनों ने आवाज़ उठाई और मैं सरकार का और माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बात को अगली सुनवाई तक, जुलाई तक एक्शन को स्थगित रखा गया है। ऐसे पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स के बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई और हम लोगों ने ये तय किया कि हम एक दिन का एक चिंतन शिविर जयपुर में रखेंगे, जिसका मैं जो है कोऑर्डिनेटर हूँ, और उसमें हम लोग इस विषय पे गंभीर विचार करेंगे और क्या समस्या है, उसका क्या निदान होना चाहिए, और हम सरकार से, राज्य सरकारों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए ठीक से, जिससे कि आदिवासियों के साथ में न्याय हो सके और इसके मानवीय पहलू को ध्यान में रख कर के कोई कदम उठाया जाए, न कि जो है लाखों आदिवासी फैमिलीज़ को एकदम से कोई इसकी आड़ में डिस्टर्ब कर देगा या उनके ऊपर अत्याचार हो जाएगा। तो ये हम सबको चिंता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। कमेटी का मुख्य विजन है कि देश के आज़ादी के 71 साल के बाद में भी जो आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं उनका समुचित विकास नहीं हो सका है। जब पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए नए नए फार्मूले ईजाद किए जा रहे हैं और देश में जहाँ जहाँ पर भी आदिवासी लोग रह रहे हैं, केवल वहीं पर हमारे वन संपदा है,
और ये उनका जीवन का मुख्य ध्येय है कि हम प्रकृति को बचा के रखें। इनका जल जंगल जमीन से एक अपना चोली दामन का साथ है, तो हम चाहते हैं कि सरकार, भारत सरकार, विकास के नाम पर इन आदिवासियों का विस्थापन न करे। इसको लेकर यह है कि सरकार जब विकास की बात करे तो पहले उनको एक डॉक्यूमेंट बना जाए कि जब आदिवासियों को विस्थापन करेंगे तो उनको पुनर्वास के लिए पूरी मूलभूत सुविधाएं हो, और उनका जो वन उपज से उनका जीवन यापन चलता है